नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट चैनल पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ईसीएस टीटन मालमो लीग का पहला क्वार्टर फाइनल जो कि खेला जाएगा आर्याना सीसी वर्सेस मालमोस के बीच में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि आप 70 लाख रुपये की जो एक ग्रैंड लीग लगी है इसमें आप कैसे टॉप पर आ सकते हो। टॉप का मतलब ये है भाई टॉप 100 में या टॉप 50 में, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आपकी रैंक एक ही आ जाएगी, लेकिन इतनी ज़रूर गारंटी लेता हूं कि अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करोगे और अच्छे से अपनी टीम बनाओगे सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए तो आप इस लीग में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और जैकपॉट मैच ही आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको यहां पर सारे स्टैट्स बताऊंगा और एड टू एड स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग तीनों ही मतलब तरह की टीम की मैं आपको पूरी पूरी टिप्स देने वाला हूं, तो इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेना। साथ ही भाई अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही भाई पहली बार अगर आप आए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके यार अपने भाई का दिल खुश कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करें स्टैट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारी फाइनल टीम है फाइनल अपडेट्स है वो मैं टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए भाई, लिंक लीजिए, लिंक से आप टीम मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और भाई जल्दी से अपना फायदा उठाइए। अभी आप देख सकते हो हमारे पास फैमिली मेंबर है 941, अगर आप चाहो तो आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बनके काफी अच्छी जैकपॉट विनिंग कर सकते हो। यहाँ पर डेली 941 लोग टीम ले रहे हैं और भाई अपनी काफी अच्छी विनिंग कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ पर आकर अपनी टीम ले सकते हो। बात करें यहाँ पर अगर मैच की तो मैच आर्याना सीसी वर्सेस मालमोस के बीच खेला जाएगा। बात करें मैच तो भाई पहला क्वार्टर फाइनल है फैन कोड ईसीएस टीटन मालमो लीग का। वेन्यू की बात करें तो वेन्यू सेम रहने वाला है भाई लैंडस्क्रोना क्रिकेट क्लब ग्राउंड जो कि स्वीडन में है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल मैट फॉर्मेट पिच रहेगी जो भाई बैट्समैन बॉलर दोनों को सेम हेल्प करेगी, मतलब यहाँ पर जो अच्छा खेल दिखाएगा वो बाजी मारेगा। बात करें एवरेज स्कोर की तो अभी तक का अगर ये पूरा सीजन देखें पूरी ये लीग देखें तो यहाँ पर भाई 90 से 110 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं हरियाणा सीसी की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो आपको इस मैच में खेलती हुई नजर आएगी, साथ ही उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने लास्ट मैच खेला था उसके बेस पर मैं भाई ये परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कादिर खान की तो इसने 7 रन बनाए थे, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। विकेट कीपर है, चाहे विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलो या ना मिलो लेकिन विकेट कीपिंग यही करेगा। बात करें महमूद बाबर की जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसने इस मैच में बॉलिंग नहीं करवाई, अदरवाइज ये बॉलिंग भी करवाता और आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफी अच्छे पॉइंट दे सकता है। और इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट अगर खिलाड़ी की बात करें तो वो है भाई नसरतुल्ला सुल्तान जो कि भाई टीम के कैप्टन भी है और बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। पहले मतलब इस सीजन की स्टार्टिंग में ये विकेट कीपिंग कर रहे थे लेकिन अब ये बॉलिंग करवा रहे हैं कंटिन्यू हर मैच में। कभी कभी एक आध मैच ऐसा होता है जिसमें बॉलिंग नहीं करवाते, अदरवाइज भाई हर मैच में बॉलिंग करवा रहे हैं और विकेट टेकिंग डिलीवरीज ये डालते रहते हैं। तो भाई इसने लास्ट मैच में 28 रन बनाए प्लस एक विकेट लिया, ये आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के काफ़ी अच्छे दावेदार होने वाले। स्मॉल लीग में मैं तो भाई इसको कैप्टन जरूर से जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। बात करें बासिर अहमद की तो बासिर अहमद ने 24 रन बनाए थे, अगर आप चाहो तो बासिर अहमद को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो कैप्टन या वाइस कैप्टन। साथ ही जो ग्रैंड लीग के बेस्ट कैप्टन आपके लिए रहने वाले वो है भाई बाज आयुबी मोहम्मद, इनका पूरा नाम बाज आयुबी मोहम्मद है। तो इसने भाई 8 रन बनाए और एक विकेट निकाला, भाई विकेट इसने एक निकाला लेकिन ये है ना मतलब इस टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर। अगर बात करें इस सीजन की तो इस सीजन में इन्होंने इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट चटका रखे हैं, तो ये आपकी टीम में जरूर होने चाहिए क्योंकि अगर ये 4-5 विकेट निकाल ले गए तो आपको फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ये अकेले आपको काफी अच्छे विनिंग करवा देंगे। बात करें जमीन जजाई की तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसे ग्रैंड लीग में एज ए प्लेयर ट्राई कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन बेशक मत बनाना क्योंकि इनका पता है क्या है इनकी बैटिंग थोड़ी नीचे आती है, तो अगर मान लो इनकी विकेट जल्दी नहीं गिरी तो ये आपके लिए मतलब फिर थोड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। अगर विकेट जल्दी गिरती है तो फिर आपको ग्रैंड लीग में पॉइंट दे जाएंगे, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे तो काफी ज्यादा रिस्की टीम हो जाएगी, बाकी आप सिंपल एज ए प्लेयर इसे ले सकते हो। एस एरवारी की बात करें तो भाई इसने बैटिंग बॉलिंग कराई नहीं, बाकी बॉलिंग काफी अच्छी करवाता है और विकेट टेकिंग गेंदबाज है। इसके अलावा बात करें अफसर खान की तो इसने एक विकेट निकाला था, भाई बैटिंग ऑर्डर इनका चेंज होता रहता है, अफसर खान कभी कभी नंबर 4 या 5 पर भी बैटिंग करने आते हैं, तो इस हिसाब से आप इन्हें टीम में रख सकते हो। बात करें ए मोहम्मद की तो भाई ए मोहम्मद ने एक विकेट निकाला, डी सिरजात ने एक विकेट निकाला और वाई सैक भाई 2 विकेट निकाला।
वाई शेख भाई इस टीम का ऐसा गेंदबाज है जो या तो विकेट लेगा नहीं, लेगा ना तो 2+ विकेट लेता है ये, मतलब जितना मैंने देखा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 विकेट भी ले जाता है, बट ज़्यादातर भाई अगर ये विकेट चटकाएगा तो गुच्छों में विकेट चटकाएगा, तो आपकी टीम में ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग सभी की टीमों में आपकी होना चाहिए और एड टू एड में तो 100% होना चाहिए। बात करें मालमो उसकी पॉसिबल प्लेइंग 11 प्लस परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हो ऐसे धीरज मल्होत्रा, जिसे भाई एड टू एड में आप कैप्टन आँख बंद करके बना सकते हो, क्योंकि आप देख लेना मतलब एंड्रॉड ये मान लो 100 में से 90% लोग इसे ही ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में कैप्टन बनाने वाले हैं। हालांकि ग्रैंड लीग में आप थोड़ा सा रिस्क लेके इसे ड्रॉप करके भी चल सकते हो एक आधी टीम में, क्योंकि इनका पता है क्या है, क्योंकि ग्रैंड लीग में इसे काफ़ी लोग कैप्टन बना के आएंगे, और अगर आप ये मान लो 1% आप मान लो कि अगर ये फ्लॉप हो जाते तो आपकी जिस टीम में नहीं होंगे वो टीम आपका काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम्स के साथ जाना, ये नहीं है कि आप सिर्फ एक टीम लगाओगे और उससे आप टॉप 100 में आ जाओगे। भाई मैं कोई आपको मतलब बबूती मार गया मतलब ऐसे कोई बाबा बन के कोई टीम नहीं देता हूँ भाई, बिल्कुल स्टैट्स के बेस पर टीम मिलती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से खेला करो, मतलब जो मैं बताऊँ ना उस हिसाब से खेला करो। आप कम से कम मिनिमम 6 टीम्स के साथ जाना ग्रैंड लीग में, तब आपकी काफ़ी अच्छी विनिंग हो सकती है। ठीक है, बात करें नूरियाले अनवारी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओपनिंग में आएगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। लास्ट मैच में 21 रन बनाए प्लस विकेट इसे मिला नहीं था। रिजवान तरार की बात करें तो 0 रन बनाए ग्रैंड लीग में, आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वन डाउन पर बैटिंग करने आया हुआ और कभी कभी बॉलिंग भी करवाता है। खुर्रम शहजाद काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई, ये ओपनिंग में भी आता है और टॉप ऑर्डर में ही खेलता है मोस्टली, तो और बॉलिंग भी करवाता है, तो आप देख सकते हो लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला हुआ है। आशीष राजपूत की बात करें तो इसे आप एज ए प्लेयर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये इस मैच 5 नंबर पर आए, अदरवाइज भाई ये 7 या 8 नंबर पर बैटिंग करने आएगा और भाई बॉलिंग कराते विकेट आपको चटका के दे सकता है, तो एज ए प्लेयर आप इसे 1-2 टीम में ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बात करें फरज मुनीर की, तो इसे विकेट नहीं मिला लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम का, इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर ट्राई करना। ए गुप्ता की बात करें तो ए गुप्ता ने ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, ना ही आर धनासेकरा ने बैटिंग बॉलिंग की इस मैच में, तो इन दोनों को आप अपने रिस्क पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो। इसके अलावा एस हुसैन को 1 विकेट मिला, उस्मान साफी को कोई विकेट नहीं मिला, ना ही ए सारथेन को विकेट मिला। आप उस्मान साफी को चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बट ए सारथेन को आप अपनी टीम में जरूर लेके चलना। अब चलिए मैं आपको एक हेड टू हेड की टीम जो मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ से आप देख सकते हो भाई मेरे पास ए गुप्ता है विकेट कीपिंग सेक्शन में और नसरतुल्ला सुल्तान है, इनको आप जरूर ट्राई करना। कादिर खान को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना और आर धनासेकरा को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप भी करके चल सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग में आप कादिर खान को जरूर से जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से भाई खुर्रम शहजाद को आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको अगर आप ट्राई करोगे तो काफ़ी अच्छा फायदा आपको दे सकता है। साथ ही ए शेरवारी को भी आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बाकी ये जो मैंने टीम बनाई है इसमें मैंने आर अशरफ को रखा है, बी अहमद को रखा है और एम बाबर को रखा है, महमूद बाबर को रखा है, तो ये तीनों मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर लगे इसलिए मैंने इनको रखा है। अगर भाई डब्लू शरीफी खेलते हैं तो इन्हें मैं जरूर से अपनी टीम में ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल पिक होने वाले हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और बॉलिंग भी पूरी 2 ओवर की डालने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इन 3 बैट्समैन को पिक किया। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऐसे धीरज मल्होत्रा मेरी टीम में रहने वाले हैं और भाई बाज मोहम्मद आयूब भी हमारी टीम में रहने वाले हैं और भाई आशीष राजपूत हमारी टीम में रहने वाले हैं। तो अगर आप चाहो तो आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप ऐसे आशीष राजपूत को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, जो कि उस्मान साफी या ए सारथेन में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। फरज मुनीर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको भी आप अपनी टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन भाई फाइनल टीम में जैसे कि आपको बता रहा हूँ टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी मैं अभी के हिसाब से बताऊं तो भाई मेरे लिए सबसे मतलब अभी जो मेरे को सबसे सही प्लेयर लगा वो इन सब में से आशीष राजपूत लगा, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है। बात करें अफसर खान की, तो अफसर खान भाई अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छी फॉर्म में और लगातार पॉइंट्स दे रहे हैं, एक आध मैच को छोड़ दे तो आप देख लो इस मैच में पॉइंट दे, फिर एक मैच में नहीं दे, फिर 2 मैच में परफॉर्मेंस है, फिर 1 मैच में नहीं है, फिर 2 मैच में परफॉर्मेंस है, तो इसीलिए मैंने इसे अपनी टीम में रखा है क्योंकि ये परफॉर्मेंस हमें करके दे सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप अगर रिस्क लेना चाहो तो एक आधा डिफरेंशियल पिक अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हो। बाकी जो फाइनल टीम है टॉस के बाद जो प्लेइंग 11 आएगी, अगर इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो बस भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, आप एक बार टीम देख लो, विकेट कीपिंग सेक्शन मेरे साथ ए गुप्ता रहने वाले, नसरतुल्ला सुल्तान रहने वाले, आर अशरफ रहने वाले बैटिंग में और बी अहमद और एम महमूद बाबर ये तीनों बैट्समैन रहने वाले। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो धीरज मल्होत्रा रहने वाले, बाज मोहम्मद आयूब भी रहने वाले और आशीष राजपूत रहने वाले हैं। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो
वाई शेख रहने वाले, अफसर खान रहने वाले और डी सिरजाद रहने वाले हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।